नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितो वाम भागम नारायणो प्रियमनंगमदापहारम वरानसिपुरपति भजवीशनाथम बागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरोर अनुग्रहेनैव पुमान पूर्ण प्रशान्तये गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए कि अनकंडीशनल सरेंडर ऑनेस्ट इंक्वायरी एंड सर्विंग टेम्पर ये तीनों गुण रहने से वैष्णव दर्शन के कथा समझ में आ जाता है। ये तीनों चीजें आचार्य दक्षिणा का आचार्य दक्षिणा ये जो तीनों चीजें हैं आचार्यों को दक्षिणा देने के लिए ये तीनों चीज काफी है। ये तीनों को लेकर जब गुरु चरण में आचार्य चरण में कोई पहुंचता है इसको बोला है समिद हाथ में लेकर गुरु चरण में पहुंचना, अपने को गुरु चरण में समर्पित कर देना सबसे बड़ा चीज है। अनकंडीशनल सरेंडर ये तो संभव ही नहीं किसी भी हालत से बद्ध जीव का लिए ये संभव नहीं। हर आदमी सोचता है कि मैं बुद्धिमान ज्यादा हूं, हर आदमी का ये विचार है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण का जो श्लोक देके शुरू किया ये तो सीतामा जी का साथ भगवान श्री कृष्ण का पाठ ही चल रहा है, ये प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बचाए गुरोर अनुग्रह नैव पुमान पूर्ण प्रशांत है, पूर्ण प्रशांति को प्राप्त करता है एकमात्र गुरुचरण का कृपा के द्वारा ही संभव है। अपना प्रयास प्रचेष्टा जितना भी बाजी लगा लो लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। गुरोरनुग्रहे नैव पुमान पूर्ण प्रशान्तये, ध्यान देने वाला बात है। गुरोर अनुग्रहे नैव न एव एव माने अफर्मेटिव गारंटी। गुरोर अनुग्रहे नैव पुमान देहधारी जीव पूर्ण प्रशांत, पूर्ण प्रशांति को प्राप्त करते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतो, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांतो।
एकमात्र कृष्ण भक्त है वास्तव कृष्ण भक्त, एकमात्र कृष्ण भक्त वास्तव कृष्ण भक्त जो है भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त का अंदर में कोई कामना वासना का कोई टेंशन कुछ नहीं, कुछ नहीं, निष्काम और निष्कामना होने से ही अंतरात्मा को प्रशांति भाव मिलती है। निष्काम कामना नहीं, और कामना नहीं ये हो ही नहीं सकता। योगी ज्ञानी ये लोगों का भी कामना है, योग सिद्धि करो ये करो वो करो, एकमात्र कृष्ण भक्त निष्काम ये गारंटी दिया गया चैतन्य चरितामृत में। कृष्ण भक्त निष्काम निष्काम अतएव शांत हो, और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो भोग करने वाले जिसका अंदर में चाहत का कोई समाप्त कोई समाप्ति नहीं है, हर वक़्त देही 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 दियो दियो नंगापन, इनके नंगापन कभी समाप्त नहीं होने वाला। देवी मैया का पास, गणेश जी का पास, हर वक़्त दियो 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 इतना नंगापन, ये नंगापन कभी समाप्त नहीं हो सकता। धनम देही जनम देही यशो देही दिशो जोही, धन दो जन दो धनम देही जनम दे यशो दो, जड़ जगत का जो पोजीशन है जस, और हमारा शत्रु को मार डालो, ये दुनिया का विचार है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, उसका अंदर में कोई कामना वासना का गंदगी भी नहीं है। अगर गंदगी रहे वो भी मुश्किल, जैसे हिंगूर या तो कंफूर या तो लहसुन किसी पात्र में बहुत दिन तक रख लो, उसका बाद उसका ढक्कन खुलो और जितना सारे सामान को फेंक डालो, फिर भी बहुत दिनों तक उसका गंदगी जाने वाला नहीं, क्योंकि ये ऐसा ही असर है। हिंगूर कैम्फोर कपूर कपूर ये सब उग्र वस्तु, इसका गंदगी बिल्कुल नहीं है। इसलिए भक्त लोगों का हृदय ऐसा है जिसमें कामना वासना तो दूर की बात है, कामना वासना का कोई गंदगी तक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी का आवास स्थल बैठने का जगह बनाने का इच्छा अगर है तो ठाकुर जी हृदय में बैठे। भक्तिर हृदय सदा गोविंदर विश्राम, अगर वास्तव भक्त है भक्तों का हृदय में भगवान का विश्राम स्थली, बरमा हर हृदय घट घट में तो भगवान है ही है, वो है तो हर घट घट में भगवान तो है ही है, लेकिन परमात्मा रूप में है, लेकिन भक्तों का हृदय में ठाकुर जी का विश्राम स्थली है, विश्राम मिलती है, क्योंकि उधर कामना वासना का टेंशन नहीं, अत्याचार नहीं है। ठाकुर जी आराम से विश्राम स्थल, विश्राम मतलब यहाँ आराम किया जाए थोड़ा, ऐसा स्थिति है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताए हैं कि देखो, जब तक शरणापन्न नहीं होते, वास्तव शरणापन्न, मैं शरणागत हुआ ये तो जब ये तो मुंह में ये तो मुंह की बात है, वास्तविक रूप से जब आचार्यों का चरण में वास्तव आचार्य वास्तव गुरु वैष्णव आचार्यों का चरण में, वैष्णव बिन आचार्य, आचार्य बिन वैष्णव, आचार्य बिन गुरु, गुरु मिन आचार्य, गुरु मिन वैष्णव, भक्तिमन ठाकुर जी ने सब बताए। आचार्य है वैष्णव नहीं, ये कैसे हो सकता? जो आचार आचार माने जो भगवत भजन का भगवत धर्मों का जो आचार, ये तो कोई
दूसरा आदमी का अंदर हो ही नहीं सकता, कैसे हो? ऐसे विचार गया, विचार किया गया, जब विमुख व्यक्ति का अंदर में कुतोह महत गुना, महत गुना, महत मतलब महत व्यक्ति, अर्थात वैष्णवों का जो गुण है, ये आम आदमी में अगर खोजने जाए तो संभव नहीं। कोई आदमी बोले तो महाराज उसका तो गुण बहुत अच्छा, महाराज वो सात्विक आदमी है बहुत, भले हाँ देखने में लगता है सात्विक है, सब कुछ है, ठंडा है, शीतल है, बहुत सुंदर है, व्यवहार भी अच्छे, सब ठीक है, लेकिन वैष्णवों का जो अपराकृत गुणावली, ये कभी प्राकृत जगत का किसी भी पहुंचा हुआ आदमी इसी का अंदर प्राप्त नहीं कर सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वैष्णवों का अंदर में गुणावली अपराकृत है, और प्राकृत जगत में जितना भी अच्छा गुणावली वो प्राकृत है, और प्राकृत जगत से इन लोगों का छुटकारा नहीं है। सात्विक गुण हो कि जितना ही सात्विक गुण हो ना क्यों, लेकिन इससे छुटकारा नहीं है, गुण का इन्फ्लुएंस से, गुण का प्रभाव से छुटकारा मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को एक ही रास्ता बताए, यह है आचार्य सेवा, गुरु सेवा, भगवत सेवा। रजस्तमश्च सत्येन सत्वञ्च उपशमेन च एतम् एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषो हि अंजसा जयेत। अंजसा माने वेरी इजीली, अनायास। रजस्तमश्च सत्येन, रजोतमो को प्राकृत सद्गुण के द्वारा डिफिएट करो, पराजित करो, इसके बाद पराजित करने के बाद रजस्तम सत्येन असत्यं च उपशमेन च, सतगुण को विनाश करो, ये भी राखो मत, क्योंकि प्राकृत सद्गुण तुम्हारा बंधन की कारण, इसको भी हटाओ, ये रहने से जब तक ये भी रहे, क्योंकि ये सतगुण जो है सूखे बंधा, सूखे बंधन करना, सुख की प्रयास प्रचेष्टा, निराला निर्जन में रहेंगे, चैन से जिएंगे, ये सात्विक भाव का जो आदमी है उसका अंदर में ये फिर भी अच्छा है, खराब तो नहीं फिर भी अच्छा है, फिर भी ये भी बंधन की कारण है। अर्जुन अभी बाहरी दृष्टि में नाटक कर रहा है, ये तीनों गुण का अंदर फंसा हुआ है, विमर्श है, बड़ा दुखी, कोई निर्णय नहीं होने वाला, कोई निर्णय नहीं हो रहा है क्या करे। और रजस्तमस्य सत्येन सत्वञ्च उपशमेन च, उपशम मतलब लोगों का इलाज, उपशम का अर्थ है, जैसे आपका गुरु अनुगत में आप एकादशी पालन करते हो, हरिनाम करते हो, जितना सर उपशम तो एक ही रास्ता है, हरिनाम के बिना उपशम औषधि नहीं है, ये हम काल चर्चा करेंगे, हरिनाम के अलावा भगवान नाम के बिना कोई औषधि जगत में है बोल के अगर महसूस है आपका, तो अब रह जाओगे इधर। हरिनाम महौषधम, तो उपशम जो है, उपशम मतलब भगवान नाम आदि एकादशी आदि पालन कर, उपशमेन च, वो भी गुरुअनुगत्व में, ये सतरुजतमो गुण जितना सारे प्रकृति का गुण का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव प्रभाव प्रतिपत्ति है, जिसमें आप अपने को फंसा के रखे हो, सारे छूट जाएंगे। रजस्तमश्च सत्येन सत्वञ्च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जायत, वेरी इजिली आप पार कर दोगे।
ऐसा स्थिति अर्जुन का और इसी स्थिति में अर्जुन का को अर्जुन जड़ जगत का कोई आदमी नहीं है, भगवान का निजी जन भगवान का पर्सनल एसोसिएट भगवान का निजी जन, फिर भी भगवान अर्जुन के इस स्थिति में खड़ा कर दिए कि मानो कि लगता है तीनों गुण का अंदर फंसा हुआ है, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। ऐसा स्थिति कभी कभी मुसीबत में फंसकर आदमी ऐसा भी बोल देता है, बचाओ मेरे को, आपका शरण में है, लेकिन ये भी झूठा है। जब मुसीबत हट जाए तो अशरणागति कहाँ गया, कुछ नहीं। पल भर के लिए शरणागति दिखाए और शरणागति वापस कर ले। हर आदमी सोचता है कि हम बुद्धिमान है, अरे बुद्धिमान तो तुम हो। हर आदमी सोचता है, ये सभी का सोच है, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि यस दे आर ऑल इंटेलिजेंट, ये लोग तो इंटेलिजेंट है ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर ओन एस्टिमेशन, अपना हिसाब से बुद्धिमान। ठाकुर जी का हिसाब से बुद्धिमान नहीं, अपना हिसाब से बुद्धिमान व्यवसायी बिजनेसमैन है। गुरु वैष्णव का साथ भी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट हैं लगा लेता है, ऐसा अकलमंदी बदमाश है। जिसका बिजनेस मेंटेलिटी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में लगा हुआ है, इसका तो स्वभाव इतना गिरा हुआ है, वो कभी भी गुरु वैष्णव का कृपा प्राप्त करना इनके लिए संभव नहीं, इनके लिए संभव नहीं है। गुरु वैष्णव का स्वरूप कभी भी इन लोगों के सामने प्रकाशित नहीं होने वाला, कभी नहीं। कितना जिंदगी में देखे, दान किया है, महाराज आपको दे दिया 1,00,000 रुपया, अरे मतलब ये दान नहीं है, ये बिजनेस है, मेरे को फंसाना चाहे, और बाद में हम ये पैसा को दे दिया, ले जा तेरा पैसा नहीं चाहिए, ले जा हमको तेरा डोनेशन नहीं चाहिए, तू ले जा जा। बामन गुस्से महाराज जी को सिलीगुड़ी में एक आदमी तो पूरा बिल्डिंग दान कर दिया, करने के बाद महाराज हम ये छोटे से कमरा में हम रह जाएंगे, ठीक है रहो। बाद में पेपर वगैरह देने के समय महाराज ये बरंदा मेरा यूज का काम है, ये बामन गुस्से में पूरा पेपर को छोड़ के दिए, दे दे फेंक के दे दिया, ले जा ले जा ले जा। क्यों क्यों गुरु जी, नहीं तेरे को तेरा डोनेशन नहीं लेंगे, क्या चले जा। अनकंडीशनल शरणागति, अनकंडीशनल दान, ये जड़ जगत का आदमी के लिए प्रायः असंभव दिखा जाता है, संभव नहीं है, वो बोलता है मुंह में कर नहीं सकता। ऐसा स्थिति जो है, जिन लोग जिन जिन के हृदय का ऐसा स्थिति है, वो लोगों को भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, चाहे कितना भी हरिकथा सुने, कुछ भी करे, बिजनेस मेंटेलिटी है व्यापारी, इन लोगों के लिए संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बद्धजीव नहीं है, आप जानते होंगे जरूर, लेकिन फिर भी अभी अर्जुन का जो भूमिका है और तमाम बद्धजीवों का जो स्थिति है, ऐसा बद्धजीवों का अंदर में जैसा स्थिति है, ये ऐसा ही दिखाई पड़ता है चारों ओर। बोलने के लिए आसान है, मैं आपका शरणागत हूं, असलियत में शरणागति का जो स्वरूप है ये पता ही नहीं। शिष्यस्ते अहम स्वाधी मम तप प्रपन्यम, ये कौन बोला, पर अर्जुन ने बोला। अपने को शिष्य प्रतिपन्न करने का कोशिश की है, अब तक तो दोस्त था, आप तक तो दोस्त, आप तक तो हम
हमको ये पता था कि कृष्ण अर्जुन कृष्ण का दोस्त है, लेकिन अब स्वयं कह रहे हैं जो शिष्यस्ते अहम, हम आपका शिष्य है। क्योंकि जब तक सबमिशन ना हो, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज आदि का शिक्षा में भी मिनिमम सबमिशन तो जरूरी है। वो तो सबमिशन तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी नहीं तो शिक्षा कैसे, शिक्षा कैसे प्राप्त करें। तो ये तात्कालिक शरणागति है, स्कूल की मास्टर के साथ, ऑफिस का बॉस का साथ, स्वामी का सामने, पत्नी का, अभी तो ये सब छोड़ो, सब गया पानी पे गया सब, अब तो कुछ नहीं बचा। ये जो स्थिति है अर्जुन जो कह रहा है कि शिष्यस्ते अहम स्वाधीमम तम प्रपन्यम, ये बाहरी दृष्टि में लगता है कि ठीक ही है, आप गुरु हो मेरे को शासन कर, शास शास धातु मतलब शासन करना, हमको शिक्षा दो। शासन जो गुरु वैष्णव का शासन को पालन ना करे, जो गुरु वैष्णव का शासन को टाल दे, ना माने, ये करोड़ों जन्म में उसका मंगल नहीं होने होने का कोई चांस नहीं। शासन शिष्यों का काम ही है, शास धातु शासन को स्वीकार करना, और शासन स्वीकार करने से ही फायदा है, मंगल है, क्योंकि तभी गुरुजी उपदेश दे सकता। हर आदमी को उपदेश देना उचित नहीं। मानो कि ठाकुर जी को कह रहे हैं कि आप प्रपन्नार्थी हरो शरणागत पालक, एकमात्र तो तुम ही एक सहारा हो जगत का। मानो कि लगता है अर्जुन आर्त है, जिज्ञासु भक्त, आर्त मतलब क्लिष्ट है, युद्ध का स्थिति ये सब देख के बेसहारा हो गया, महसूस कर रहा है, ये आर्त है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी, ये चारों जो है ठाकुर जी बोलते ये चतुर्विधो आदमी, ये चारों किस्म का आदमी मेरा शरण में आता है, भजन करता है, चतुर्विध अभयन्ते मां, चतुर्विध अभयन्ते मां, ये चारों किस्म का जो है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी। आर्तों का उदाहरण तो हम लोग गजेंद्र को देते, गजेंद्र, गजेंद्र फंस गया पूर्व जन्म में, इंद्रद्युम्न राजा, अब फंस गया, ये ग्राह ने पकड़ लिया। सो ये उदाहरण देते हैं आर्तो। आज जिज्ञासु तो परीक्षित महाराज को भी बोला जाए, अर्जुन को भी बोला जाए, ये जिज्ञासु है, सनातन गोस्वामी जिज्ञासु बन के बैठा है, अर्जुन जिज्ञासु, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ध्रुव महाराज अर्थार्थी माना जो मांगता है, कुछ मांगता है, अर्थार्थी चौज्ञानी, ये जो चारों किस्म का ये जो विषय है, चारों किस्म का भक्त लोग है, ये लोग भजन करता है चारों किस्म का, चतुष्ण भी ज्ञानी है। तो ये जो है चारों किस्म का आदमी भजन करता है, लेकिन अर्जुन का अभी जो स्थिति है ये आर्तो जिज्ञासु मिक्स है, आर्तो जिज्ञासु भी कह सकते हो। जब तक शरणागति ना हो जाए तो तब तक ज्ञानी पुरुष कभी भी किसी को शिक्षा देने ना जाए, देगा तो कामयाब नहीं, कामयाबी नहीं मिलेगी, और शिक्षा ऐसे ही बक बक करे हो नहीं पाएगा। ऐसा स्थिति में
जब अर्जुन कह रहा है तो ठीक है, ठाकुर जी बोले ठीक है चलो। और यहाँ तक हम लोग चर्चा की है कि अर्जुन कह दिया कि देखो हम शरणागत है, हमको बचाओ। ये जो है हमारा चर्चा हुआ कैसे युद्ध करे, ये करे सब है। इसके बाद जो अभी अभी कह रहे हैं कि ये भीष्म पितामह आदि गुरुजनों को हत्या करके अब कैसे जिए, ये संभव कैसे। और अभी निर्णय नहीं, नौ चैतद विद्मह कतोरण्यो गौरियो, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है ये समझ में नहीं आ रहा है। न चैतद विद्मह कतोरण्यो गौरियो जदवा जयेम यदि बा नो जयेयु जाने वो हत्या न जिजी विषाम जिजी विषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। ये तो वही लोग सब उपस्थित है हमारा सामने जिनको मारना संभव नहीं है, क्या ठीक होगी युद्ध करना नहीं करना ये समझ में नहीं आ रहा अर्जुन को। ऐसे तो खत्रियों का जो नियम है, खत्रियों का नियम ऐसे वर्णाश्रम धर्मों ठाकुर जी ने व्यवस्था की समाज संसार को व्यवस्थित करने के लिए, अव्यवस्था ना फैले। संग्रामेशु अनिवृत्तिम प्रजानां चैव पालनम, मनु संहिता में क्षत्रिय धर्म संग्रामेशु अनिवृत्तिम प्रजानां चैव पालनम, ये मनु संहिता मनु महाराज जी सारे समाज व्यवस्था का क्या क्या नियम है नहीं है तारे तोर्म मनु संहिता बड़ा बिग वॉल्यूम। और गीता जी है, गीता जी में भी श्रीमद् भागवत जी महापुराण में भी सारे चारों वर्णों और चारों आश्रम का जो विचार बताया गया। गीता जी में भी आएगा बाद में विचार करते करते, फिर भी इधर प्रसंग आया तो कह दे थोड़ा। ब्रह्म स्वभाव जो कर्म क्या है हर कोई का बस का काम नहीं है। समो दमो स्तपः शौचम क्षंतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। समो दमो तपः शौच क्षांति ऋजुता सरलता ज्ञान विज्ञान अस्तिक्य, ये सारी जो है ये ब्राह्मणों का गुण है स्वभावजम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और क्षत्रियों का कर्म क्या है, अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं देखो। क्षत्रियों का कर्म क्या है व्यवस्था, न शौर्यम तेजो धितिर्दाक्षम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वर भावंचो दानम ईश्वर भावस्यो क्षत्रकर्म स्वभावजम शौर्यम तेजो धितिर दाक्षम युद्धि चापि अपलायन। शौर्य तेज धृति दाक्षो समर संग्राम में अपरान्मुखता दानशीलता और लोगों को बचाना दानम ईश्वर भावंश खत्र कर्म स्वभाव है खत्रियों का। और वैश्य और शूद्रों के लिए स्पेसिफिकली बोला गया है, इधर बहुत सारे हैं। किसी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम
और परिचर्यात्मकम कर्मो शूद्रश्वापी स्वभावज। ये तो है आपका भागवत में भी है, समो दमो तपह शौचम संतोष खांति क्षांतिर आर्जवम ध्यानम दयाच्युतात्मतम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्वंच ब्रह्म लक्षणम शौर्यम वीर्यम धीतिस्तेय स्त्याग चात्मो जयो क्षमा। ब्रह्मोन्नता प्रसादश्च सत्वंच खत्र लक्षणम। ब्रह्मणंच माने ब्राह्मण वैष्णव को सहारा देना, इनका दान दक्षिणा हिसाब सुविधा ऐसा करके बताया गया कि ब्राह्मण क्षत्रियो आदि इन लोग सभी का क्या धर्म होनी चाहिए ये सब। लेकिन अर्जुन का जो विचार है, अर्जुन का विचार है हम तो ये भिक्षान्नो ग्रहण करना ही उचित समझते हैं। भिक्षान्नो ग्रहण करना ये हम उचित समझते हैं, लेकिन भिक्षान्नो ग्रहण करने का कोई विधान तो नहीं है क्षत्रियों के लिए। लेकिन तर्क दे रहा है तो कम से कम तो ये अच्छा है कि अपना गुरुजनों को हत्या करके जो पापम पाप जो हमारा जिंदगी में आने वो पाप से तो रिहा हो जाएगा कम से कम, इसी विचार से कह रहे हैं। हम जानता ये क्षत्रियों के लिए भिक्षा धर्म नहीं है, फिर भी भिक्षा और युद्ध दोनों का बीच में मैं भिक्षा वृत्ति को अपनाता हूं, क्योंकि इसमें कम से कम तो ये है अपना गुरुजनों को हत्या करके जो पाप मिलने वाला है उससे तो कम से कम छुटकारा मिल जाए, ये तो है। और कह रहा है कि अगर हम जीत भी गया, अगर मानो कि हम जीत गया जिस संग्राम में हमारा जय हुआ, लेकिन ये जय भी विजय भी ये विजय भी मेरा पराजय का बराबर, मेरे कैसे, क्योंकि हमारा गुरुजन अगर आत्मीय परिजन जो सगे संबंधी चला गया तो वो किसमें युद्ध का जो नतीजा है राज्य राजधानी जे सामर्थ्य कांखे नहा जिन लोगों के लिए संपत्ति वैभव राज्य राजधानी ये सब दरकार, वो अगर नहीं रहा तो क्या काम का है, तो पराजय ही है, ये तो पराजय ही है। सो अर्जुन का ये जो विचार है ये विचार प्रस्तुत कर रहा है अर्जुन अभी भी करके ठाकुर जी के सामने अपना पंडिताई दिखा रहा है, ठाकुर जी के सामने अपना पंडिताई दिखा रहा है, दोस्त है ना पंडिताई दिखा रहा है। तो ऐसे ही है श्रुति में लिखा हुआ लिखा है समो दमो उपरति तितिक्षा एवं सध्यान्वित हैया आत्माते आत्मा के दर्शन करना, हर वस्तु में आत्मा दर्शन करना। अर्जुन का ये जो युक्ति है एक एक करके तर्क उठा रहा है विचार, इसमें लगता है कि अर्जुन का अंदर में बड़ा भारी वैराग्य का बार आ गया, वैराग्य का बार, और ज्ञानी है जरूर ऐसा लगेगा। नेक्स्ट श्लोक जहां तक चर्चा किए काल कार्पण्य यहां तक कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म संगूल चेता जत् श्रेयो सत् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्योस्ते अहम स्वाधीन मम तम प्रपन्यम। कार्पण्य दोषत, कार्पण्य दोषत मतलब जो पावर तुम्हारा अंदर में है, जो क्षमता है, जैसे धनी व्यक्ति अगर खर्चा ना कर ले कृपण है, लेकिन वीर व्यक्ति अगर वीरता का प्रदर्शन ना करे साक्ष्य करे देश में इसका कार्पण्य है। विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति विद्या का फायदा ना उठाए कुछ ना करे
तो कार्पण्य है। ऐसा जो स्थिति है और महाभारत का जो टीकाकार नीलकंठ महाराज ये लिखा है कार्पण्यम दिनत्यम, ये मेरा पेनफुल सिचुएशन ये बताया। ऐसा करके करते विश्वनाथ चक्रदेव एक माने बलदेव विदम सब अलग 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 सब माने अपना कृपन अर्थ में कोई कोई दिन बताए भी दिन बताया नीलकंठ जी महाराज, और कोई कोई बोलता महाव्यासन प्राप्त अवस्था। सो ये जो अवस्था है ये तो कार्पण्य दोष अपस्वभाव अर्जुन रोज स्वीकार कर रहे, मेरा जो वीरता स्वाभाविक वीरता इसका फायदा लेना अभी हमारा लिए संभव नहीं, हम हमारा दुर्बलता आ गया। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव स्वभाव मान यूजुअल स्वभाव, हमारा जो स्वाभाविक क्षत्रिय वृत्ति है कार्पण्य दोष स्वभाव माने हमारा जो स्वाभाविक वृत्ति है क्षत्रियो बल वीर्यो हैं शौर्यो तेयो युद्धे चाप्य पलायनम, ये जो भाव है इसमें कमी पड़ गया डेफिशिएंसी है, और हमारा करने का भी कुछ नहीं है क्योंकि सारे हमारा हृदय जो है इतना दुर्बल हो गया कि मानो कि हम सब सारे पावर जो है खो बैठा है। इसीलिए पृच्छामि त्वम आपको मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा अवस्था धर्म संगूढ़ चेता व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, पहले बोला युद्ध करे कि ना करे मरे कि जिए, भगवान से किंतु मतलब दोनों ही बेकार की बात है, मरे जिए हैं और युद्ध करे ना करे ये सब आगम पाई ना, ये सब बेकार की बात है, ये अनित्य वस्तु है। तुम्हारा जो तो जितना था तुम विचार बना रहे हो ये तुम्हारा अनित्य विषय को लेकर, जब ठाकुर जी आगे कहते कहते ये सब विषय प्रस्तुत करेंगे बाद में शीत शीतोष्ण सुख दुखदा मानव मानयू सारे तम, अब बाद में अर्जुन को भी हम सुनेंगे, अर्जुन को बोल रहा है अर्जुन तुम ये प्रकृति का जो प्रभाव है तीनों तुम तीन गुणों में फंसे हो अज्ञानी हो आ तुमको ये प्रकृति का प्रभाव तीन गुणों का प्रभाव के बाहर जाना है। त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन, त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन, त्रैगुण को त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है जो सभी को चला रहा है, ऐसे तो ठाकुर जी चला रहे लेकिन प्रकृति क्रियामाना निगुण गुण कर्मैर अवसह अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्नते, ऐसे तो प्रकृति चालिका सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छैव जस्व भुवनानि विवर्त दुर्गा हैं जस्यानुरूप जस्यानुरूपम चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमम, से गोविंद का इच्छा का अनुसार वो चलती चलाती है दुर्गा दुर्गति नाशिनी जगत का आदमी कहते प्रपन्नार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते, अरे उल्लू का जब नारायणी नमस्ते तब भी उसका अकल नहीं होला है क्या बोल रहा है, सर्वसाति हरे देवी है ना नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते क्यों बोला, नारायण तो ठाकुर जी है पर फिर भी अकल नहीं है क्या बोल रहा है वो पता ही नहीं है, बोलते जा रहा है पागल बनती। ब्रह्म संगीता में ऐसा है सृष्टि श्रुति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव जस्व भुवनानि विवृति दुर्गा, छाएव
छाया इबो, ये आपका हमारा वहां पे छाया नहीं है, शैडो नहीं है, ये शैडो का भी बड़ा प्रभाव है। ये दुर्गा छाये वो जस्सो विभूर्ति दुर् है ना सृष्टि स्थिति पुल सदन शक्ति रेवा छाये वो जस्सो भुवनानी विभूर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्सो च चेष्ट से चेष्टते सा सामान्य देव गोविंद मानसी पुरुषम तमाम भजन प्रकृति किया मानानी। सब आदमी सोचता है कि हमने करता अहंकारो विमुरात्मा करता अहम इति मन्नते, यही तो बंधन का कारण है। अर्जुन तेरा जो तो तर्क है सारे युद्ध करूं कि नहीं करूं, मरूं कि नहीं करूं, भिक्षा करूं कि युद्ध करूं, ये सारे बेकार की बात है, ये सारे बेकार की बात है, तर्क की बात है, ये लॉजिक का बात है। क्या ये तुम्हारा जो अंदर में जो भाव है क्या करूं ना करूं, ये संशयात्मा, संशयात्मा का कभी भी शांति नहीं मिल सकती। संशयात्मा बिना कोई निर्णय ही नहीं हो रहा है। ये सारे आगम पाई ना अनित्य वस्तु रिलेटिव, युद्ध करो ना करो, भिक्षा करो कि युद्ध करो, ये सारे तुम्हारा ये तो दुनियादारी का चीजों में तो फंसे हो, अनित्य चीज तुम्हारा जो विचार है ये ठीक सही नहीं है। अनित्य वस्तु आगम पाई ना, सुख दुख आदि जो कुछ भी है सब आगम भी आते जाते हैं, और तुम्हारा रिलेटिव जगत का अपेक्षिक जगत सब अपेक्षिक बात, इसमें क्या जवाब दें हम? हम युद्ध करें कि ना करें, कहीं सही हो नहीं हो, सारे अपेक्षिक बातों में उलझे हुए हो, तुम्हारा कोई बात का कोई ठिकाना नहीं, क्या बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम, मरे कि नहीं करे, अरे कहां कहां से तर्क उठाए, सारी जगत का बात है वो अनित्य बात, रिलेटिव सब रिलेटिव वस्तु, रिलेटिव सेंस, रिलेटिव सब कुछ रिलेटिव है। और ठाकुर जी जो जोर से फटकार लगाए ये है कृपा, शास्त्र में लिखा है वह कि आचार्य चित्त शासनम, आचार्यों का काम ही है, आचार्यों का काम है, जो आचार्य आचार्यों का काम कर रहे हैं अपना आचरण के अनुसार जगत को सही रास्ता दिखा रहे, ये आचार्य है। आचार्य मैंने मैंने ये नहीं कि बड़ा हनुमान बन गया, बड़ा सिंहासन में बैठ गया, अपना लाठी को घुमाए, ये आचार्य नहीं है। आचार्य मतलब जिसका आचरण के द्वारा हम हर हालत में प्रभावित होने वाला, अगर अपराध नहीं है तो आचार्य का आचरण में इतना प्रभाव प्रतिपत्ति है, ये कोई बद्ध जीव आए अगर अपराध नहीं है तो वो देख के हैरान हो जाता है कि ये तो महाराज कैसे जैसे बातें करता है वैसे पालन करता है, ये आचार्य है। और आचार्य का सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दिया गया वायु पुराण में, अगर कोई आचार्य नाम का कोई साधु अगर किसी का अंदर में अपना आचरण का प्रभाव प्रतिपत्ति को स्थापन न कर सके, स्थापित हो कि तब तो इस सक्सेसफुल आचार्य नहीं है, आपने बहुत कर रहा है। लेकिन किसी को आचरण ग्रहण करने में सहायता नहीं कर सकता, ये तो आचार्य कैसा है? आची नोति जो शास्त्रार्थम स्वयं आचार्य स्थापयति अपि स्वयं आचरति यस्मात् आचार्यो स्तेन कृतिता, आचार्य वो है जो इतना अपना आचार आचरण के प्रभाव के द्वारा दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। क्या इन्फ्लुएंस करता है भाई? अपना जो 2400 घंटा में 2400 घंटा भगवत सेवा का लगन है, ये सेवा का जो भाव है, ये सेवा का भाव शिष्य का अंदर में शरणागत व्यक्ति का अंदर में संचालित कर सकता है, ये संभव है, आचार्यों का काम है। सक्सेसफुल आचार्य का ये लक्षण है, कोई प्रवचन देने वाला है
कोई आचरण करने वाला है प्रवचन नहीं दे रहा है, लेकिन दोनों में एक भी वास्तव आचार्य हो नहीं सकता, क्योंकि आचार करे केहो ना करे प्रचार, प्रचार करे केहो ना करे आचार, आचार प्रचार नामेर करह द्वि कार्यो, तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगतेर आर्य। सनातन गोसाई जी ने हरिदास ठाकुर आचार्य नमाचार्य हरिदास ठाकुर को ये बोल के संबोधित की, पक्का बात है। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि हमारा झूठा प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति लेने का ये हमारा बीमारी लग गया, केशव गोस्वामी कह रहे हैं। वी आर हैबिचुएटेड टू एंजॉय फॉल्स प्रतिष्ठा, ये हमारा सबसे बड़ा क्रॉनिक, ये कोरोना से भी डेंजरस है। कोरोना तो फिर भी हम बच सकता है, तो मर गया तो ठीक है, हैं? एक बार विदाय दे माँ, घुरे आसी खुदीराम बोस ने कहा, माँ एक बार विदा दे दे और घूम के आए फिर, लेकिन यह घूम के आने का भी रास्ता नहीं बचे, विचार करके रहना, एक बार विदाय दे माँ घुरे आसी, कहाँ से घूम के आए तुम, पतन हो जाए, बहुत मुश्किल की बात है। ये जो है सारे विचार करने वाला, विचार करना चाहिए हमारा। तो गुरु का काम कर रहा है, आचार्यों का काम कर रहा है, लेकिन आचरण नहीं है, वो कैसे हो सकता? दुनिया भी उल्लू का पट्टा का माफी इसका पीछे दौड़ रहा है, इसको चाहिए पोजीशन, रैंक, ग्लैमर, यही मिल रहा है। भक्ति मिले ऐसा कोई निश्चय नहीं, कोई भी शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी हमने खुद देखा कितने बार छाती ठोक कर चिल्ला रहे, कोई है तो सामने आ जा, हैं सालिग्राम स्पर्श करके बता हमको ठाकुर जी चाहिए, हमको प्रतिष्ठा जमीन जायदाद कुछ नहीं, बोल देखे हम कितना हिम्मत है। कोई चाहता नहीं ठाकुर जी को, छाती ठोक के बोलते थे, पक्का बात है, कोई ठाकुर जी को नहीं, सब नाटक बनाने के लिए आए, ड्रामा, सब ड्रामा चल रहा है, सुंदर भजन भजन ड्रामा, आह कितना सुंदर, देखो चिकना है बाहर से, ऐसा ऐसा दुनिया का ऐसा स्थिति है जिसमें हमको मौनो पकड़ने का इच्छा होती है, बिल्कुल ये चुप हो जा, मरने दे दुनिया को, मरना चाहे मरने दे, यार आए जहन्नुम में जाए, नाटकबाजी नहीं छूटेगा। ये आदत में पड़ गया ना, नस नस में खून खून में पूरा इसका लिखा हुआ है, नाटकबाजी, चीटिंग, डुप्लिसिटी, अब कहां से मंगल होने वाला है? सरल हो तब ना अपना मंगल का चाहत आ जाए, पैदा हो, अब मंगल नहीं हुआ ये हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक्स में बात है, इफ डिमांड इज देयर सप्लाई मस्ट बी देयर, ये फॉरेन इकोनॉमी का यही है फॉर्मूला। हमारे इधर में भी ना आलू का दाम बढ़ गया 40 रुपया, उसको स्टॉक कर दो, आलू हमको 4 रुपया करके ले गया उसको स्टॉक कर लो, जब 40 रुपया हो तब मार्केट में देना, करोड़ों रुपया का फायदा हो जाए। ऐसा बिजनेस में चल रही सब डार्टी, टॉप टू बॉटम, मिनिस्टर लेवल से लेकर मैंने शिक्षक प्रोफेसर सब, और स्पोर्ट्स का गेम साधु संत सब करप्टेड, टॉप टू बॉटम सब करप्टेड हो गया, बीच बीच में कोई बचा है, ऐसा हालत पैदा हो गया। सच्चा बोल के कोई चीज नहीं बचा, क्या करे? ये जो आचार्यों का हमने बता रहा था वायु पुराण से, ये सक्सेसफुल आचार्य, सक्सेसफुल आचार्यों का यही एक सिम्टम है, ये खैम जैसे केशव गोस्वामी महाराज खुद भजन करे, हर कोई को भजन में लगा दिया, इतना पावरफुल है, बाप रे बाप रे बाप, सब भजन में लगो, पोपा जी है कितना पावरफुल भजन में लगाए, कपट व्यक्ति में क्या, कपट व्यक्ति को भजन में लगाना संभव नहीं, क्योंकि गुरु सेवा का बदले में अपना हिसाब किताब चुकती करना चाहता है, अरे सब सेवा किया ना, अरे ठीक है तुमको ये दे देता हूँ, संपत्ति ले जा, हो गया,
चुक्ति अचिनोति जो शास्त्रार्थम स्वयं आचार्य स्थापित होगी अप्लाइड फॉर्म इन अप्लाइड फॉर्म प्रयोग भूमिका में अपना जिंदगी में जीवन जिंदगी में आचरण करके दिखाने वाले जो है जो दूसरों को प्रभाव डालने वाले भजन में लगाने वाले जो है वो है आचार्य सक्सेसफुल। इसलिए सनातन गोसाई जी हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपका आचरण का इतना प्रभाव है आपके द्वारा कि न जाने कितना आदमी का जिंदगी बदल गया। चिंता ये जो तुम्हारा आपको लक्ष्य में हीरा जीवन जिंदगी बदल गया कितना आदमी का। आचार करे कि हो ना करे प्रचार, प्रचार करे कि हो ना करे आचार। कोई प्रचार में जाता है आचरण बिल्कुल नहीं है, कोई आचरण है तो प्रचार में जा रहा है नहीं जा रहा है। लेकिन आपका अंदर में आचार प्रचार नामेर करो द्वि कार्यो, आप दोनों का आचार एवं प्रचार दोनों का बैलेंस करके कर रहे। हमारा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी देखने में परमंग से चुपचाप एकदम, लेकिन आचरण में इतना प्रभाव है। ये आचरण दूसरों का हृदय में एकदम मार्किंग कर सकता है, दाग लगा दे, इतना सुंदर आचरण। रघुनाथेर नियम जनो पासाने रेखा इट इज रिटन। रघुनाथ दास गोसाई के जो आचरण है जैसे कि पत्थरों को ऊपर कुछ नाम लिख दो कुछ भी मार्किंग कर दो ये मिटने वाला नहीं है। रघुनाथेर आचरण जनो पाषाणेर रेखा, पाषाण मतलब पत्थर को ऊपर कुछ लिख दो इसको मिटाना मुश्किल है। विचार करके देखना रघुनाथेर आचरण जनो पाषाणेर रेखा मिटता नहीं, इतना सुंदर आचरण, इतना सुंदर ऊंचा सगा विचार, बहुत मुश्किल है दुनिया में। जो भी है अभी हमारा प्रसंग ये चल रहा है कि अर्जुन तो कह रहे हैं कि कार्पण्य अपहत दोष स्वभाव, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, इसीलिए परीक्षा में तम धर्म हम पर हमारा कंडीशन अभी धर्म संगूढ़ चेता मेरा स्थिति परप्लेक्सिंग कंडीशन, क्या करना चाहिए ना कि कोई निर्णय नहीं हो रहा है। तो पृच्छामि त्वम इसीलिए आपको पूछ रहा हूं धर्म हम, क्योंकि मेरा स्थिति धर्म संगूढ़ चेता, तो क्या पूछ रहे हैं जत श्रेय जिसमें मेरा वास्तव मंगल हो जाए, जिसमें मेरा वास्तव मंगल हो जाए आप कृपा करके यह बताओ। जत श्रेय सात निश्चितम, सिर्फ श्रेय नहीं निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जिसमें मेरा जत श्रेय सात निश्चितम, जैसे मेरा मंगल हर हालत में हो जाए ऐसा बताओ ब्रोहितन में। ये बात को बताओ क्यों बताए तुमको, पहले हम शिष्य हैं आपका शिष्य होते, अब कब शिष्य बना है, कब शिष्य बना, बोले अभी बना शिष्योस्ते अहम स्वाधिमामतम प्रपन्न। और शिष्य बोलने से भी होता नहीं, अर्जुन को मालूम है जो तब तक गुरु शिष्य को शिष्य नहीं मानते दीक्षा नहीं देते, आजकल तो सब दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं तू कभी वोट दे दे मेरे को मैं आपका हूं, वोट देने से हो जाएगा, मान ना मान तेरा बात है, हम भी किसो हमारा गुरु जी को मैं मानता हूं क्या, ठीक है आप चल फॉरेन जा, फॉरेन ले ली घूम, विवाह कर, फॉरेन में बिजनेस कर, इधर कर, है ना, सब कर, कोई कोई रोक टोक नहीं है, सब कर, सिर्फ इतना कर हमको बोल दे गुरुजी हाँ आप गुरुजी हो, गुरुजी 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 गुरुजी। ज्यादातर पंजाब में गुरु गुरुवाद है ज्यादातर। माधव गोसाई महाराज ने इतना कष्ट किए इतना कष्ट किए फिर भी गुरु दर्शन का जो प्रभाव है ये समझ नहीं पाए, बड़ा दुख की बात है। मायावादी बिल्ड है ना, बहुत मुश्किल। दो ये जो कार्पण्य दो ये जो जत श्रेयो सात निश्चितम
ब्रूही तन में ये हमको बताओ आप, क्योंकि शिष्यस्ते अहम, हम आपका शिष्य है। और त्वं प्रपण्यम, प्रपण्य मतलब शरणागत नहीं होने से गुरु शिष्य को कोई शिक्षा ज्ञान उपदेश नहीं करते, ये मालूम है अर्जुन को। इसलिए बता रहे कि आप शिष्य, आपका शिष्य हो और स्वाधीन हम तम प्रपन्न, आपका प्रपन्नो प्रपत्ति स्वीकार किया, आपका चरणों में शरणागत हो गया आप, ऐसा ही। अब जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बड़ा बड़ी तिरस्कार किए, तो अर्जुन को बड़ा बड़ी धक्का लगा। क्लैव्यम अस्मा गमह इत्यादि ये सब बातें कहें, और क्षुद्रो दौर्बल्य है ये तेरा, कुछ नहीं है ये, त्यक्तोत्तिष्ट परंतपा, उठो जल्दी, कुछ नहीं है, कलमस है, ऐसा करके जो तिरस्कार किए हैं, ये भी आचार्यों का आचरण है। आचार्यों का आचरण में कोई तिरस्कार बोल के कोई चीज नहीं है। अच्छा खिलाया शिष्य को, अच्छा रहने का मुख, ACDC कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब बोलने वाला कोई कुछ नहीं, ये गुरु का काम नहीं। नीति शास्त्र में भी ऐसा है, शासन तो कोई मानना नहीं चाहता, हम देखा ही नहीं कोई पक्का शासन मानना चाहता। बामन गुस्से महाराज को देखा, बाप रे बाप रे बाप, ओहो हो, जिंदगी में ऐसा एक उदाहरण मिलना रियली इम्पॉसिबल, असंभव है। और असंभव से भी पड़े कुछ शब्द है तो लगाना चाहता हूं, असंभव। कैसा करके अपने को दिखाया, गुरु सेवा शरणागति, ये बोलने में बहुत अच्छा, लेकिन करने जाओ तो पता चलता है महाराज, ओह ओ, जब तक सच सब कुछ गुरुचरण में समर्पित ना कर दे, तब तक दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना संभव नहीं है। क्योंकि हमारा बोल के चीज रह गया, ये हमारा है, ये अज्ञान है, ये बंधन है। बंधन दशा में अगर कोई दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करे तो कामयाबी नहीं मिलेगी ना। मानस देहो गेहो जो खिचु तुम्हारा और पिनु तुआ पदे नंदो किशोरो, आत्मनिवेदन तुआ पदे कोरी हईनु परम सुखी, दुखो दूरे गलो चिंता न रहिलो चौदी के आनंद हरी, भक्तिवेद ठाकुर कहते हैं। पूरा शरणागत हो जाना, हजारों हजार शिष्य सदगुरु का सामने दीक्षा लेने का बहाना करते हैं, लेकिन पक्का शिष्य जो है, पक्का शिष्य कौन है कैसे पता चले? दुनिया का आदमी तो समझेगा नहीं, लेकिन एक तत्वज्ञानी पुरुष तुरंत समझे गुरु का पावर, गुरु का शक्ति किसका अंदर में आ पहुंचे। ये तत्वज्ञानी पुरुषों का सामने धोखा देना संभव नहीं है। बाकी दुनिया तो धोखा खा जाए, धोखा तो खाई है, हर हालत में धोखा खाने वाला है। ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे, हरि कथा हरि भजन का नाम से जो लोग जगत को वंचित कर रहा है, इस विषय में कल चर्चा करें, बहुत बढ़िया लगे। हमारा स्वभाव में हमारा धोखा खाना स्वभाव में बदल गया, धोखा ना खाए तो अच्छा नहीं लग रहा। आचरण का मुताबिक जो प्रवचन करता है, अपना आचरण जो बोलता है वही करता है, इसका प्रभाव कितना 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 प्रभाव है, कितना पावर है, ये बोका लोगों को समझ में नहीं आया कितना प्रभाव है। एक एक शब्दों का अनुभव के साथ कह रहा है ये। तो हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी जी कहे कि देखो आप आचरण भी कर रहे हो क्या, प्रचार तो है ही है,
पशु पक्षी से लेकर हरिदास ठाकुर का नाम सुनकर पेड़ पौधा सभी का मंगल हो रहा है। हरिदास ठाकुर ने ये दिखाया महाप्रभु का सब चर्चा करते हुए स्थावर जंगम सबको का मंगल हो रहा है। कैसे आचार करे क्यों ना करे प्रचार, प्रचार करे क्यों ना करे आचार, आचार प्रचार नामेर करो द्वि कार्य तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगतेर आर्जो। और कृष्णम ब्रंदे जगत गुरु, ये तो हमारा पहले से ही जानकारी है। कृष्ण कृष्णम ब्रंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत का गुरु है। इस आपने उस दिन विचार करके दिखाया कि अपराकृत जगत का जो कृपा शक्ति है ये डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इधर तो डायरेक्ट है कृष्ण से, बोला हाँ वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ एक व्यतिक्रम है, यहाँ भगवान और अर्जुन, अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है, यह तो नाटक है। ये भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट कृपा अर्जुन के पास आया ये दिख रहा है, लेकिन ये स्पेशल केस है। लेकिन अर्जुन जो है तमाम दुनिया का बद्ध जीवों का तरफ से रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बनकर खड़ा हो गया। और ऐसा करके और विचार बनाया, देखो आप कृपा करके हमको बचाओ। अब आपको भागवत मुंडक उपनिषद में भी आपको पता है, समित पाणी श्रौतियन ब्रह्मनिष्ठम, मतलब तद्विज्ञानार्थम क्या, मैं तत्व ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए, तद वस्तु को प्राप्ति करने के लिए, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत, ऐसा गुरु के चरण में शरणागत हो जाओ। और समित प्राणी ही श्रौतियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रौतियम जो श्रौत पंथा में अवस्थित है, जो गुरु जो आचार्य जो दुनिया को ठगने के लिए छलंग लगाया और अपना श्रौत पंथा को अपनाया नहीं, अपना तरफ से नया नया विचार बनाया सब कुछ, इसको फेंकना चाहिए। श्रुति स्थिति पुराण आदि पांचरात्रिक विधि, पांचरात्रिक विधि बिना ऐकांतिक हरेर भक्ति उत्पात ही वकलपते, अबार हरिभजन का नाम एक उत्पात खड़ा कर दिया, उत्पात का सिद्धांत, उत्पात का विचार, उत्पात का आचरण जो कुछ भी है उसको फेंकना चाहिए। ना ना ना, उसको फेंकना चाहिए पूरा। श्रुति स्थिति पुराण आदि पांचरात्रिक विधि बिना, श्रुति स्थिति पुराण आदि पंचरात्र में जो विधान दिया गया मापो बताया, पंचरात्रिक जो विधान ये भी ठीक है पक्का। श्रुति स्थिति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना, ये विधियों को, ये आचार विचार आदर्शों सबको छोड़कर वैकांतिकी एकांत रूप में हम बड़ा भक्त बन गया, वैकांतिक हरेर भक्ति ये उत्पात ही वो कल्पते, उत्पात एव कल्पते, ये उत्पात छोड़ के कुछ नहीं है, उत्पात ही है। सारे आदमी उत्पात से जुड़ा हुआ है, सारे आदमी उत्पात से ही तो जुड़ा हुआ है। वो क्या शुद्ध भक्ति मांगता है क्या, कौन मांगता है दिखाओ, आओ सालगाम छो के बोलो ये मैं मांगता हूं शुद्ध भक्ति, और देखिए हम आपको मिले कि ना मिले, आप ऐसा करके प्रतिज्ञा करके बताओ, उसके बाद मेरा जुमा है आपको मिले ना मिले, लेकिन कर नहीं सकोगे, हिम्मत नहीं है। मुंडक उपनिषद में ऐसा है कि तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभि गच्छेत, समीत पानी श्रौतियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रौत पंथा में अवस्थित है ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम, ऐसा गुरु का पास जाओ समित पानी में लेकर, समित मतलब यज्ञ काष्ठ, गुरु जी का जो संकीर्तन अग्नि प्रज्वलित हो रहा है
इसमें अगर हम समित अर्थात यज्ञ क्षेत्र में हमारा समित अर्थात यज्ञ काष्ठ लेके जाके उधर आंख का अंदर फेंकना है, समर्पित करना है। इसका मतलब समित पानी मतलब वो जो हमने पहले बताया था वो तद्विधि पुनिपातेन पुरविष्णु सेवया, ये है असली विचार के अनुसार यही है समित शरणागति तद्विधि पुनिपातेन पुरविष्णु सेवया। ये समित हस्त में लेकर पहुंच जाओ, कौन सी गुरु ना सौतियम और ब्रह्मनिष्ठ, जो सौत पंथा में अवस्थित है और ब्रह्मनिष्ठ है। और दूसरा भागवत का और श्लोक में अलग किस्म का रेखा है, लेकिन वास्तविक अर्थ तो एक ही है। वहां लिखा हुआ है देखो, शब्दे परिचन स्नातम ब्रह्मणि उप, एक ही है शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात। जीव गोस्वामी पद कहते हैं कि शब्द ब्रह्म में अगर निष्णात नहीं है कि वह केवल पर ब्रह्म में, तो वो शिष्यों को शिक्षा देने में उसका मुश्किल है। क्यों, वो कैसे समझाए, अनुभव है, अनुभव के द्वारा कर सकता है। इसलिए शब्द परिजन स्नातम गौरकिशोर हमारा जीव गोस्वामी पद की बताए, जैसे गौरकिशोर बाबा जी पर शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात है। कैसे, परब्रह्म मानना परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवा में लगे हुए है। और शब्द ब्रह्म में कैसे, बोले शब्द ब्रह्म हरिनाम जो कर रहा है, निरंतर जो हरिनाम का जप कर रहा है, इसके द्वारा इसका अंदर में शब्द ब्रह्म का कोई कमी नहीं है, भंडार है। बाहरी दृष्टि में लिखा पढ़ा नहीं जानते, कम है। शब्द परेचन निश्चात, शब्द ब्रह्म निश्चात है। शब्द ब्रह्म बोल देते जैसे हमारा पौपा जी समाम शास्त्रों का विचार करके दिखाए, ये भी है शब्द ब्रह्म। और गुरुकिशोर बाबा अगर शास्त्रों का प्रवचन ना भी करे, वो भी ऐसे सीधा रास्ता में समझाए कि तमाम शास्त्रों का पाठ करने के बाद गुरुकिशोर बाबा जी ने एक शब्द कह दिया, बस काफी है। संतों का मुखाराबिंदु के वाणी है वो भी वेदो वाणी है, ये भी अप्राकृत शब्द ब्रह्म। अगर साधु माना तो, अगर मानते नहीं को साधु ही नहीं है, ठीक है आपका मर्जी, मानो ना मानो, लेकिन ये है शिष्योस्ते अहम, ऐसा करके जो प्रपन्नो प्रपत्ति को स्वीकार की, ऐसा करके और श्रेयो पेरो दो आदमी का जो दो जड़ जगत में दो चीज है, श्रेयो एवं प्रेयो। श्रेयो मतलब जिसमें आत्मा का मंगल होने वाला है, प्रेय मतलब शरीर और मन का साथ जुड़ा हुआ जो विषय वस्तु है ये प्रेय है, इसमें एंजॉय होता है। किंतु धीर व्यक्ति ये दो तत्वों को अवगत होने के बाद, धीर व्यक्ति जो धीर प्रशांत व्यक्ति ये दो तत्वों का साथ उसका साक्षात्कार हो चुका पक्का, इसको मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पढ़ा। इसीलिए कोई जब तत्व ज्ञानी पुरुष है, ये कभी लाभ अलाभ, लाभ नुकसान, सुख दुख इसी में कभी न मोहयति मोहित नहीं होने वाले, कभी मोहित नहीं, क्योंकि उसको जानकारी है क्या है नहीं है। संसार में रहते हुए आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक तीनों तापत्रय जरूरी है जरूर है, हर हर जीवों को इसका सामना करना पड़े।
आध्यात्मिक ताप आदि भौतिक आदि दैविक मतलब झंझावात आया, बाढ़ आया, भूकंप आया, आदि दैविक आदि भौतिक के सांप ने काट लिया, किसी ने मारने आया, खमा खा आदि भौतिक। और आध्यात्मिक मतलब अपने आप में असंतुष्टि भाव है, बेचैनी है। ये सारे निवारण करने के लिए हमने भागवत जी महापुराण से एक श्लोक को उठाए, शायद आप भूल गया, अभी बताया, रजस्तमश्च सत्येन सत्यंच उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जायत। पुरुषो माने देहधारी जीव, देहधारी जो जीव है ये अनायास पार कर सकता है ये आचार्य सेवा, गुरु सेवा, गुरु गुरु और अनुग्रह नैव पूर्ण उपमान प्रशांत है। रजतम गुण को सतगुण के द्वारा काटो, सतगुण को उपसमेन च उपसम गुरु वैष्णव का अनुगत में करते चलो। एतत् सर्वम सारे तमाम नेगेटिव चीज को, एतत् सर्वम गुरु भक्ता गुरु चरण में, सदगुरु चरण में, वास्तविक सदगुरु चरण में वास्तविक अगर प्रपन्न हो जाए, शरणागत हो जाए, तब तो सारे समस्या का खुला समाधान। एतत् सर्वम गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जाय, वेरी इजीली। इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा चीज है ये आचार्यो परिचर्या। और ये जो तमाम जो आदि दैविक दुख कारण मास, इसमें दवा लेने की दौड़ता है एस्ट्रोलॉजर के पास, महाराज हमारा स्टार पोजीशन अच्छा नहीं चल रहा है, आवे बड़े महाराज आपको प्रेस्क्रिप्शन कर दिया, आपको ये हीरा लेना है, ये कोरल लेना है, प्यार मुक्ता लेना है, ये तो आपका मंगल का दशा बहुत खराब, इसलिए कोरल जरूरी है, चंद्रमा भी अच्छा जगह पर बैठा नहीं, इसको ये सब लगा के, शुक्र का पोजीशन भी बहुत खराब है, महाराज क्या करे हैं, ऐसा करके पूरा प्रेस्क्रिप्शन कर दिया। और तमाम दुनिया दौड़ रहा है हस्तरेखाविद के पास, कभी कभी तंत्र मंत्र षड्यंत्र करने वाले के पास पहुंचता है, गुरु का ऊपर आस्था नहीं है, गुरु वैष्णव का ऊपर आस्था नहीं है, वो उधर दौड़ता है। ऐसा जो स्थिति है, इसमें ग्रह शांति सस्तायन, ग्रह वैगुण्य नाश, ये सब करने के लिए भागादूरी करते रहते हैं। इसका विचार नहीं बैठता कि गुरु वैष्णव कुछ भी कर सकता है, बस इतना ही है, कपट भाव छोड़ के उसका चरण में शरण में जाना। तब तक गुरुजी हमारा मंगल का व्यवस्था नहीं कर पाते जब तक हमारा अंदर में डुप्लीसिटी बने हुए है, जोर जबरदस्ती। कभी संभव नहीं, कभी कोई स्वर्ग जाने का प्रस्तुति किया, दान दक्षिणा किया, गौ माता को खिला दिया, गौ माता का सेवा, अरे क्या करे, भले पुण्य मिलेगा, अरे पुण्य मिलके क्या करोगे। अर्जुन अभी जो विषय में फंसा हुआ है भगवान, ये सब रिलेटिव चीज है, अपेक्षिक चीज, अनित्य वस्तु, तुम्हें इस अनित्य वस्तु को लेकर विचार बना रहे हो, युद्ध करे ना करे, मरे कि जिए, सब रिलेटिव है। सब छोड़ के त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण भव, अर्जुन है अर्जुन, तुम सारे छोड़कर निस्त्रैगुण गुणों का अधीनता को कटाकर तुम चलो आगे चलो। तुम गुणों का जो प्रभाव है इसको कटाकर तुम आगे चलो, नहीं तो मुश्किल है। और इसके बाद अर्जुन मन ही मन विचार कर रहे, तो कृष्णो
कह रहे हैं कि तुम तो शास्त्रज्ञ हो, तुम शास्त्र तुम शास्त्रज्ञ और शास्त्रज्ञ भी हो, तुम तो शास्त्र जानते हो, शास्त्र जानते हो नहीं तो ऐसा लंबा चौड़ा प्रवचन कैसे दे दिया। शायद तुमको मालूम है तुम शास्त्र ज्ञानी हो, तो क्यों ना अपना समाधान खुद ही कर लो। तुम तो इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे तो तुम ज्ञानी हो, शास्त्रज्ञ हो, सुतरांग अपना हित अपना मंगल कैसे हो तो आपने कर लो। ये अगर आशंका कृष्ण का तरफ से, कृष्ण अगर ऐसा कहे तो अर्जुन का कहना है कि हमारा जो इंद्रिय शोक जो है, इतना भारी शोक दुख, इसको इसको हटाने वाला कोई नहीं है, इसको हटाने का हिम्मत किसी का नहीं। हमारा मापिक जो मोहग्रस्त है, मोह मोह मतलब विवश हो गया, मोहित हो गया, और हमारा नाई मोहग्रस्त जीवों का मंगल का उपाय एकमात्र सर्वाग्रे सर्वप्रथम अदौ गुरुपदाश्रय। सवर जी ने गुरुचरण आश्रय की, बाहरी दृश्य में दिखाई नहीं पड़ता लेकिन मानता है। अरे रूप गोस्वामी जी बाद बताए अदौ गुरुपदाश्रय, उसके बाद दीक्षा का बात। अच्छा, हम तो सोचता है कि दीक्षा लेने का बात तो गुरु, ना 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 ना, उल्टा है। पहले गुरु का वाणी का स्वरूप समझकर, थोड़ा अनुभव करके, ये सद्गुरु है, इसका अंदर में कुछ नहीं है, बिल्कुल सद्गुरु है, इसका प्रभाव इसका पावर यही मेरे को बचा सकता है, ऐसा निश्चय करके इनके चरण में आत्मसमर्पण कर देना। जैसे नरोत्तम ठाकुर जी ने दीक्षा का पहले आत्मसमर्पण कर दिए लोकनाथ गोसाई के चरण में, बाद में दीक्षा हो पाया, भले यही मेरा गुरु है, ये छोड़ के मेरे को इतना अनुभव है। शब्दे परिचन स्नातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, आहा एकदम समा गया भजन में, ये गुरु चाहिए मेरे, ये गुरु आपका चरण। अगर गुरु जी बोले भाग जा, दीक्षा नहीं देना है मेरे को, तुम राजकुमार नहीं, आपका ही जन्म दे, नहीं दो आपका बात है, लेकिन आपको ही मैंने गुरु रूप से ग्रहण किया। जैसे 18 बार गौरकिशोर बाबा जी महाराज ने प्रभुपाद को वंचना वंचित करने का कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए, अंतिम में कर नहीं पाए, करने का है बहुत प्रयास प्रचेष्टा की, लेकिन प्रभुपाद जी शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी का कहने से गौरकिशोर बाबा जी को ही महाजी को ही गुरु माना, ये गुरु में ये गुरु को ग्रहण करना, अदौ गुरु पदाश्रय, अपना तन मन धन गुरुचरण में गुरुपदे अर्पण, सदा काल सदा नाम सदा ना नाम रटन, सदा हरि नाम रटन, तन मन जीवन गुरुपदे सर्पण। ये सब बहुत कीर्तन करने में बहुत अच्छा लगता है। तन मन जीवन गुरुपदे अर्पण सदा हरि नाम रटन, लेकिन करने जाओ तो पता चलता है। तो ये जो है हमारा गौरकिशोर बाबा जी महाराज वंचित कर, लेकिन पोपा जी ने गुरुचरण को अपनाया। ऐसे ही रूप गोस्वामी जी ने बताया, गुरु का प्रभाव देखकर, उसका शब्द ब्रह्म, उसका शब्द स्वरूप देखकर बस एकदम खो जाना, यही मेरा गुरु है, यही मेरा गुरु है। तो ये जो है दो अदो गुरु पदाश्रय तस्मात, उसके बाद अगर गुरु जी प्रसन्न हो गया तो मेरे को दीक्षा दे देंगे। अदो गुरु पदाश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षा दि शिक्षण, उसके बाद कृष्ण शिक्षा दीक्षा का जो सब सारे जानकारी है वो मिल सकता। अर्जुन अभी जो दिखा रहा है मोहग्रस्त हो, लेकिन असलियत में अर्जुन कोई मोहग्रस्त जीव नहीं है, अर्जुन दिखा रहा है गुरुचरण में सर्वतो प्रयास सर्व सर्व प्रकार से गुरुचरण में
सर्वतो भावे अपना प्राकृतो विद्या बुद्धि बल ऐश्वर्य गर्व सारे समर्पण कर दे गुरु जी आप हम आपका है, हम आपका है, आपका हो गया। जब तक शादी होने का पहले शादी अभी बाकी है हुआ नहीं, फिर भी पत्नी अगर भाभी पत्नी अगर स्वामी का चरण में आत्मसमर्पण कर दे, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल, एक नहीं है, एक नहीं है। जिनको स्वामी मंगा ये जड़ जगत में भी बहुत सारे देखे हैं, स्वामी मंगा किसी को और बाद में शादी नहीं हो पाए, अब शादी ही नहीं किए, बोले हम विधवा है, विधवा कैसे है, बोले नहीं हम विधवा, हमको स्वामी मांगा, ऐसा भी है, आप जानते नहीं हो। तो इस अवस्था में पहले गुरुचरण का आश्रय करना, क्योंकि गुरुचरण छोड़ के सदगुरु छोड़ के ये तो आपका तत्व ज्ञान को उपदेश कौन देगा, पैसा वाले देगा क्या, कोई पैसा वाले, इसका क्या क्षमता है तत्व ज्ञान को उपदेश करे। तो गुरुचरण में सर्वतो प्रकारेण सर्वतो भाव में अपना प्राकृत विद्या बुद्धि बल ऐश्वर्य गर्व सारे परित्याग करके शरणागत हो जाना, शरणागत मतलब अपना अमार बोलिते आर प्रभु किछु नाही, आई हैव नथिंग टू क्लेम दैट इट इज माइन। इसी अवस्था पे वास्तव सदगुरु के सामने दीक्षा नामक जे दिव्य ज्ञान प्राप्ति करने वाला जो व्यवस्था, ये पक्का हो पाता, नहीं तो नहीं। शास्त्र में विचार है कि बहुत बहुत विचार करके वास्तव गुरु ग्रहण करना है, नहीं तो जीवन जीने भी खतरा में पड़े। जब तक अर्जुन शिष्यत्व, जब तक अर्जुन अपने को शिष्य बोलकर प्रकाश नहीं किए भगवान के सामने, भगवान तब तक कोई जवाब नहीं दिए। जब तक अर्जुन अपने को हम शिष्य है आप सिखाओ शासन करो ऐसा जब तक नहीं बोले, तब तब भगवान कुछ नहीं बोले। वास्तव जो गीता का जो प्रवचन है तब तक कुछ नहीं खुले, बस जब बोले कि हम आपका चरण में शरणागत हैं हमको सिखाओ, तब ठाकुर जी अपना मुख को खुले। अभी गीता का प्रवचन, फिर भी बीच में हम देखेंगे ये कैसा शरणागति है, ये कैसा शरणागति है। जो शरणागति हो गया गुरुचरण में फिर बोलते हैं नौ जोश से हम युद्ध नहीं करेंगे, अरे अभी बोला तुम शिष्य हो शासन मान लिया, मानो कि ठाकुर जी हंस रहे, हे बद्ध जीव तुम्हारा शरणागति मैं जानता हूं, तुम्हारा शरणागति का जो मसला है ये मैं जानता हूं, तुम्हारा शरणागति क्या चीज है, तुम्हें इस पल भर में तुम बोलोगे हम शरणागत हैं, बाद में लात लगाओगे, मेरा जिंदगी में कैसा हुआ, कितना सब धंधाबाजी करने के लिए मेरा पास आए, बस नाजायज फायदा, कितना उदाहरण है। प्रैक्टिकली हम वैशासन में बैठा है, प्रचार करना शुरू दिया, मैं सेवा संभव का अपना आदमी हूं, उन्हें सपने में आके बताया मैं तुम्हारा हूं, अब बाद में मेरा छाती में लाठी लगाकर चला गया, कितना है आओ मैं दिखा देंगे, आओ मेरा पास मैं दिखा देंगे, वो चोट छोटा चीटिंगबाज जो है सबको दिखा देंगे, सब मेरे से फायदा लेने के लिए आए। ऐसा भी है भाड़े सभा में गुरुजी चला गया, उनका गुरुजी मटका और सारे मीटिंग बुलाया, और हरिकथा में मैं भी था, क्या करूं, खाने पीने में मैं नहीं हूं, हरिकथा में तो जरूर बुलाया। अब इसके बाद हरिकथा हो गया तो मैं ऊपर चला गया, अब फिर बुला रहा महाराज जी नीचे आओ, अब क्यों नीचे आओ, बोला नीचे जरूर मीटिंग हो, मीटिंग मैं क्या करूँ, मैं बाहर का आदमी हूँ, बोले आपका जरूरी है, आया सारे महाराज लोग बैठा। उसके बाद क्या किया, ये जो माइक जो है मेरा सामने धर दिया, महाराज आप बोलो,
ये इनको आचार्य जो घोषित किया गया आपका समर्थन है। मैम तो डिलेमा में पड़ गया हैं, हम तो डिलेमा में हम विचित्र अवस्था में पड़ गया, क्या करें, हम तो बिल्कुल तैयारी नहीं है इसको आचार्य मानने के लिए, और हम कोई हम बोला महाराज इतना महाराज है उसको दे दो, नहीं नहीं आपको ही बोलना पड़ेगा। बोला कैसा स्थिति है, वीडियो बना लिया, हम बोले हम तो धोखेबाज हो गया, हमको बोलने का इच्छा ही नहीं हो रहा, मैं जानता हूं उसका आचरण, फिर भी उसका गुरुजी लिख के गया और वो हमसे घोषित करा, इतना महाराज लोग सब है, हमको बोलते आप घोषणा करो आपका आचार्य पद में आप अपमान लिया। अरे कैसा बात है, झूठा कैसे बोल सकता हूं, ऐसा ऐसा स्थिति, इसलिए जाना बंद कर दिया सब, सब जाना दूर बेकार। ठाकुर जी से क्षमा मांगा, ठाकुर जी क्या करे, उसका गुरुजी लिख के गया, मैं उसका आचरण जानता हूं, आप हरे समा में उड़ीसा में मेरे को बैठ के ऐसा बोल रहे मन महाराज आप घोषणा करो, माइक लगा दिया मेरा सामने, अरे हम कैसे धोखेबाज हो सकता, ऐसा स्थिति है। वो भी बड़े बड़े महाराज लोग उपस्थित है, आश्रम महाराज भी है, वो का गंजाम का सारे वैज्ञानिक, अरे हमारा सामने माइक है, अरे उसको दो, ना 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 आपको ही बोलना पड़े, सब मैं जानता हूं सब क्या स्थिति है। तो ऐसा है जो भगवान हंस रहा है, हंसी उड़ा रहा है, मैं जानता हूं आप लोगों का जो शरणागति का जो आपका जो शरणागति का जो खेलकूद है, आप खेल खेल में हो, तो मैं जानता हूं अभी इस समय बोला शरणागति, कई बार ऐसा हुआ यहां भी हमारा मायापुरी में भी मीटिंग में बुलाया आचार्य जो घोषणा किया, बस वीडियो कर लिए बस हो गए, उसका बाद मेरा छाती में लात लगा दिया, हमारा अच्छा है आप गुरु हो मेरे को लात लगा दिया, अच्छा मेरा शिक्षा हुआ, शिक्षा हुआ मेरा, जब भी शासन करना शुरू कर दिया ये नहीं करनी चाहिए बस तब लात लगा दी, जब तक शासन ना करो और ठीक है, वाह वाह आपसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में, सबसे बड़ा साधु आप हो, बस काल सबसे बड़ा साधु था आज गिर गया लात लगा दिया, मैं जानता हूं इसलिए विश्वास नहीं करता हूं, जब तक परीक्षा करके हम नहीं देखते ना 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 किसी को, गंगा पानी में कूद कर बोले झूठे भाई, जो जो प्रमिस किया मेरे को सारे झूठा है, जितना सारे बड़े बड़े आदमी सब झूठा बोल के, मेरा पास रिटिन डॉक्यूमेंट है दिखा सकता हूं, धोखेबाज, हम विश्वास नहीं करते लोग, मरते दम तक ठाकुर जी ऐसा करे तो ये सब असत्संग ना हो। तो ये जो है अभी अभी ऐसा स्थिति है, अर्जुन कह रहे हैं कि हम शिष्य हैं, बा हम देखेंगे बाद में, नौ जो से युद्ध नहीं करेंगे, अभी बताएंगे कैसा मजा है देखो, अभी बोला शिष्य अहम शिष्यस्ते अहम, अभी ऐसा करके आठ नंबर श्लोक में देखा गया, पहला वाला श्लोक तो विचार करके दिखाया इतना लंबा चौड़ा थोड़ा वो भी कुछ भी नहीं बोलते चले तो बहुत समय लगे, आठ नंबर श्लोक में है, न ही प्रपस्वामी माम अपानुद्वत जच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणम अबाप्पो भूमौ अशपत्नमेध्वम राज्यम सुराणम ओपी चाधिपत्यम। अर्जुन कह रहा है कि पृथ्वी में निष्कंटक समृद्ध राज्य साम्राज्य अगर मिले एवं अगर देवतागणों का भी अधिपत्य मेरे को मिले, सुराणाम एरा लिखा है सुराणाम ओपी चाधिपत्यम, स्वर्ग राज्य का भी अधिपत्य हमको मिल गया तो भी हमारा जो इंद्रियों को शोषण करने वाले तमाम हमारा इंद्रियां जो है विवश होके गिर पड़ा, बहुत ड्राई हो गया, शोषण परिशोषण इंद्रियोगन का परिशोषणकारी शोक, इतना बड़ा भारी शोक उपस्थित हुआ, मैं मेरे को दुर्बल बना दिया कायर बना दिया,
पूरी शोषणकारी शोक को दूर करने वाला कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है। कौन हम दे हमारा दिखना है, दिख नहीं रहा है, कुछ व्यवस्था दिख नहीं रहा है, कोई व्यवस्था दिख नहीं रहा है, क्या करे। ऐसा स्थिति में मैं पहुंच गया, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रहे हैं कि मैं दिखना है रहा, मेरा इतना शोक, इतना शोक, सारे इंद्रिया ड्राई हो चुका है, एकदम शुष्क हो गया मन भी, हृदय एकदम अबा यू नो। अगर हमको पूरा धरती का एक छत्र अधिपत्य भी मिल गया होगा, मिल गया, अगर सुरानम ओपी चाधिपत्यम, सर्व लोगों का साम्राज्यों का भी आधिपत्य मिल गया, फिर भी हमारा इच्छा नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं, हम क्या करें, बिल्कुल हमारा इच्छा नहीं, हम क्या करें। कोई दिख नहीं रहा है, ये शोक को हटाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करें। ऐसा अवस्था में युद्ध करना नहीं करना, ये शोकार्णव अतिक्रमण करना मेरा बस का काम नहीं, क्या करे इस अवस्था में, मेरा क्या करना चाहिए। अर्जुन मन ही मन बल रहा याद कर रहा है कि सोच रहा है कि यदि अगर कृष्ण हमको ये कह दिया कि आज तो शास्त्रोज्ञ हो, तो आप पंडित हो, आप खुद का विचार खुद ही कर लो, ये अगर आशंका कृष्ण का तरफ से, ये अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो मैं क्या करूं, इसका उत्तर दे रहे ये इंद्रिय शोक, ये शोक अपनदन, इसको हटाने का कोई उपाय में तो दिख नहीं रहा। जीवन जिंदगी में बहुत सारे काम, बहुत सारे कामयाबी में हासिल की, यही अर्जुन है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वही अर्जुन हूं जो दुर्गम तुषारावृत हिमालय पर्वत में कठोर तपस्या की, तुषारावृत हिमालय पर्वत में बहुत कठोर तपस्या करके किरात रूपी गौरी शंकर के साथ लड़ाई की, गौरी कांत को पराजित की, और स्वर्ग में सुरपति इंद्र महाराज का वैर है, शत्रु है, असुर राज निवात कपच, निवात कपच, इसका नाम निवातो कपच, ये इंद्र इंद्र महाराज का शत्रु है, इसको हम निपात कर दिया, और मेरा वीरता के द्वारा संतुष्ट होकर इंद्र महाराज अपना ही सिंहासन में आधा आसन मेरे को समर्पित किए, सम्मान दिए, ऐसा वीरता मेरा। लेकिन आज मेरा क्या हो गया, आज मेरा क्या हो गया, मेरा इंद्रिय में, मेरा इंद्रिया जो है मेरा वशूत नहीं है, परन्मुख है। हमारा सामने शत्रुगण चुनौती दे रहा है, फिर भी हमारा अकेल नहीं हो रहा है, हमारा अंदर जो ऐसा नहीं आ रहा है पावर। पहले तो कोई अगर बोल दिया देख लेंगे तो एकदम जयद्रत दुशाला जो है दुर्योधन का एकमात्र भगिनी, इनकी जो स्वामी जयद्रथ, ये दुष्ट क्या किया, द्रौपदी महारानी को उठा के ले गई, ले गया, और बाद में पता चला नारद जी बता दिया, ये आप तो दौड़े, दौड़ के कुत्ते का माफी उसको पकड़ा, मारने के लिए तैयार हो गया। अरे द्रौपदी महारानी, द्रौपदी तो वैष्णवी, अरे छोड़ दो, मारोगे तो तुम्हारा बहन तो है, वो तो विधवा बन जाएगी।
चलो ठीक है। अश्वत्थामा को कुत्ता का वाई पकड़ के लाया, फिर भी देवोदी कह रही है मुच्छताम मुच्छताम नितरम, इसको अभी छोड़ दो छोड़ दो, ये गुरु है ना, गुरु का पुत्र है ना, नहीं नहीं जिसका कृपा से तुमने अस्त्र शिक्षा किया। अरे देखो क्या हरकत है कि मार दिया चार, यू नो चार हमारा पुत्र को मार दिया, इतना बदमाश है, खमाखा कुलपांगसन है ये खानदान का कुलपांगसन, एकदम अकाल एकदम सबसे घटिया आदमी है, क्यों मारा? निदारुण शोक, ये जो शोक। और अर्जुन वैष्णव फिर भी यहां ऐसा ऐसा स्थिति पैदा हो गया मानो कि हमारा शिक्षा हो जाए, जब बद्धजीवों का क्या हालत हो सकता है, बद्धजीव शरणागत तो होने के बाद भी गुरु को लात लगा के चला जा सकता है, ऐसा स्थिति कितना घटना है, एक नहीं है। हमारा सामने शत्रु, हमारा जो विपक्ष ये चुनौती दे रहा है, फिर भी हमारा अंदर में क्यों गुस्सा नहीं आ रहा है, क्यों इतना वीरता का पैदा नहीं हो रहा है, क्यों पावर नहीं आ रहा है, क्या बात है? कभी तो ऐसा नहीं हुआ। जयद्रथ के एकदम कुत्ता का मापिक लाया और मारने के लिए उधर हो गए, एकदम मार डालेंगे बेटा एकदम जा, कि आतोताई है, पत्नी को उठा के ले जा रहा है, आतोताई है ना, आतोताई के मारो। फिर भी द्रौपदी कह रहे छोड़ दो इसको छोड़ दो। ऐसा धार्मिक है पांच पांडव और द्रौपदी सारे कुंती देवी, फिर भी देखो पितामह भीष्म कह रहा था कि देखो ये इतना धार्मिक है और कृष्ण शिक्षा पक्ष में है, इन लोगों के इतना मुसीबतें आप से आई, कैसा बात है, ये एक सोचने वाला बात, जिसका पक्ष में कृष्ण है उसका इतना मुसीबत से आन पड़ता है, क्यों? अर्जुन अभी कह रहा है कि देखो ये सामने मेरा शत्रु अस्पालन का, फिर भी हमारा अंदर में कोई पावर नहीं है, इस अवस्था में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम तो किंग का तब विमूढ़ हो गया, आप मेरे को सिखाओ, आप मेरे को शासन करो सिखाओ, शरणागत व्यक्ति को पालन करना आपका धर्म है। शोकातुर अर्जुन शरणागत हो अब ठीक है, ऐसा करके स्थिति पैदा हो गया। और भागवत जी में एक श्लोक भी है, भागवत जी में जस्यांग श्रूयमानयम कृष्णे, प्रथम स्कंद का बहुत सुंदर पहला ही अध्याय का, ना पहला अध्याय नहीं पहला पहला स्कंद का, प्रथम स्कंद का दो तीन अध्याय बाद जस्यांग श्रूयमानयम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्धति पुंसाम शोको मोह भयापहा, इसमें एक फॉर्मूला मिल गया। जसंग श्रूयमानम, जिसका नाम श्रवण करने से, जिसका बारे में श्रवण करने से जस्यांग श्रूयमानयम, वो कौन है? कृष्ण, कृष्णे परम पुरुषे, शून्य के साथ साथ ही भक्ति रुत्पद्धति पुंसाम शोको मोह भयापहा, तो शोको मोह भयापहा, शोक मोह भय को हटाने के लिए काफी है, क्योंकि यथार्थ परफेक्ट वास्तव कोई जेन्युइन सोर्स से हरि कथा सुनने का बाद ये ठाकुर जी के चरण में लगन लगना ही है, इसमें कोई कोई संदेह नहीं है। अगर झूठा है, सुनने वाला झूठा है, बोलने वाला, वो तो अलग बात है, लेकिन जस्यांग स्वयमानायम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्धते पुंसाम, भक्ति जरूर पैदा होगी और इसके साथ साथ शोक मोह भय ये सब हट जाए,
चोकमो भयापहा। एक भक्ति है अमृत, अर्जुन का अंदर में क्या भक्ति नहीं है? भक्ति है, लेकिन अभी भक्ति नहीं के बराबर। अभी अर्जुन का जो स्थिति है इसमें लगता है उज्जन नित्य भक्त है, फिर भी ऐसा लगता है कि अर्जुन का अंदर में भक्ति बोल के कोई चीज है ही नहीं। ऐसे बद्धजीवों में क्या है, भक्ति का जो पोटेंसी है, जब तक सर्व शक्ति का कृपा कोई गुरु वैष्णव का माध्यम ना प्राप्त होए तब तक भक्ति देवी का अधिष्ठान हो नहीं पाती हृदय में। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्तिर जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल कोई तपस्या दान दे ऐसा नहीं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्री कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये बात याद करके रखना, ये सोच के रखना, हमारा जीवन जिंदगी में ये विशेष कर ये कली काल में तो है ही है, विशेष करके कली काल में हर काल में सत्य तेता दापर युग किसी काल में ही संकीर्तन का प्रभाव कमी नहीं है। ऐसा हो सकता कि सत्य युग में ऐसा है, तप तपस्या दापर युग में ये यज्ञ है, ये अर्चन है, तेता ऐसा तो है, अन्नाम है कलिकाल ऐसा तो है लिखा, लेकिन प्रोपा जी कहते हैं कि ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि किसी काल में नाम का प्रभाव कमती है, ये नहीं, ये तो प्रेस्क्रिप्शन है ही है, लेकिन हर हालत में हर समय स्थान काल पात्रों का कोई विचार नहीं होनी चाहिए। नाम का प्रभाव तो है ही है, नाम नाम अकारी बहुधा सर्वशक्ति तत्तार्पिता नियमित स्मरणे न काला एतद्दिशि तबक भगवान ममापि दुद्वैवम इदृशम म्याजनी नानु रागा। समझा कि नहीं? नाम का प्रभाव प्रभा जी कह रहे हर वक्त है, सत्ययुग में भी है, ऐसा नहीं कि सत्ययुग में ये लिखा है तो अतः ये नाम नहीं, सत्ययुग में अगर नाम करे नाम के द्वारा भी हो सकता, सत्ययुग में नाम के द्वारा भी हो सकता, नाम हर वक्त। तो ऐसा स्थिति में अर्जुन का जो ये शोक मोह भयापहा ये जो बोला, ठाकुर जी का नाम श्रवण करो, ठाकुर जी का कीर्तन करो, ठाकुर जी का बारे में हरि कथा सुनो, भगवत कथा यस्यां वै सुयमानयम् कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्दते पुंसाम शोक मोह भयापहा। ये भक्ति प्रदाता स्वयं प्रभु, ये स्वयं उपस्थित है, यही प्रभु है ना जिसका बारे में भागवत जी में, वही तो स्वयं खड़ा हुआ है। जिन्होंने भागवत में प्रवचन दे के बोला गोपियों के सामने, मैं ही भक्ति ही भूताना मामृत तो ताय कल्पते, क्या शोक मोह इसका लिए क्यों इतना चिंता में पड़ गए अर्जुन, आपको याद नहीं है क्या? अर्जुन बड़ा चिंता में पड़ गए, भले ही तो वेरी इजी है ठाकुर जी को, अब जिसको दोस्त मान के चला, जिसको जिंदगी भर दोस्त मान के चला, अब अभी दो पल में उसको गुड़ी में बदल दे कैसे? हमारा दुनिया में ऐसा होता है नो, गुरु बहन गुरु बहन गुरु बहन बोलते रहता है, अब गुरु बहन आगे बहू बन गया, हम तो हंसी उड़ाते, अरे तू गुरु बहन गुरु बोलते रहा, अब आप बहन तो बहू बन गए, बहू बहू बन के आ गए। ये स्थिति है जगत का, सब झूठे कहीं का, जो भी है आज ये यहां तक विचार को स्थगित रखे, विश्राम दे विचार को, याद रखना यही जो भगवान श्री कृष्ण है जिसका बारे में भगवंत में ये बताया गया, जसंग श्रूयमानयम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्दते पुंसम शोक मोह भयापहा, वांछा कल्पतुर्वश्य कृपा सिंधु भविष्य पतितानं पावन भविष्णुभ्यो नमो नमः।